क्या तुमने वो फिल्में देखी हैं जब कॉमन मैन की लाइफ को लेकर कॉमेडी होती थी और खूब पैसे कमाए जाते थे। एक तरफ बीबी, दूसरी तरफ माँ बाप और बीच में फंसे हीरो की हालत अंदर से कुछ ऐसी होती थी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इस मूवी में कुछ ऐसा ही हुआ है, जब तुम देखोगे तो समझ जाओगे। मतलब सोचो यार, शादी के बाद क्या क्या होता है एक आदमी के साथ। अच्छा रहने दो, सीधा फिल्म में ही देख लेना, क्योंकि हमारे जयेश भाई यही तो दिखाने वाले हैं। अब अगर तुमने ट्रेलर देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि विलन बाहर का कोई नहीं बल्कि जयेश भाई के अपने बाप है। असंभव। इनके उच्च विचारों के बारे में जानकर तो आप शॉक हो जाओगे। जब गांव में लड़की को लड़के छेड़ते हैं और लड़कियां इनके पास शिकायत करने आती है क्योंकि ये गांव के सरपंच भी है, तो ये महाशय साबुन बंद करवा देते हैं ताकि लड़कियां साबुन ना लगाए और लड़के उनकी तरफ आकर्षित होकर उन्हें ना छेड़े। अब सारी मूवी उस छोटी बच्ची पर खड़ी हुई है जिसे दादा बाहर नहीं आने देना चाहते और बाप यानी जयेश भाई उसे बाहर लाने की ठान चुके हैं। इसलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में ही उन मूवीज को याद करने को कहा था, क्योंकि ये फिल्में एक समाज के बड़े मुद्दे पर होने वाली है जिसे कॉमेडी और इमोशन दोनों के साथ दर्शाया गया है। लेकिन खतरे की बात भी यही है कि ऐसी फिल्में यंग जनरेशन को ज्यादा रिलेट नहीं कर पाती, हमें हर बार कुछ नया देखने का होता है। ऐसे में ये पुराने स्टाइल के साथ नया कंटेंट वाली मूवी पब्लिक एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं पता नहीं। कुछ सीन को छोड़कर ये टोटल फैमिली फिल्म है जिसे आप फैमिली के साथ देख सकते हो। वैसे इसमें रणवीर सिंह ने और उनकी पत्नी का रोल निभा रही शालिनी पांडे ने भी कमाल की एक्टिंग की है। लेकिन बॉलीवुड की एक गंदी आदत है हमेशा सेफ रहने की, इन्हें रिस्क तो लेना ही नहीं होता, इसलिए पुराने पैकेट में कोई नया स्टार डालते हैं ताकि पब्लिक उसे देखने थिएटर जा सके। लेकिन इन्हें कोई बताओ, रिस्क है तो रिस्क है। वैसे इस मूवी को मेरी तरफ से मिलते हैं 3 स्टार। और हाँ, मैं बता दूं कि वो 1 स्टार रणवीर और शालिनी की एक्टिंग के वजह से ही ज्यादा दिया है मैंने। वैसे अगर आपको भी जानना है कि बॉलीवुड ऐसी कौन सी गलतियां करता है कि लगातार फ्लॉप जा रहा है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जाकर देख लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। वैसे आपको इस मूवी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।